आप राजनीति की बात कर रही हैं, तो ये अगर इधर आने के लिए आप सोच रहे हैं कि इधर आने के लिए बारे में सोच रहे हैं, तो ये कोई राजनीतिक मुद्दा हो सकता है? बाकी उनका रुझान ना पहले था, ना मैंने सुना है, ना हो सकता है आने का। शासन प्रशासन से न्याय नहीं मिला है, वो खुद लड़के ले लेगी। कांग्रेस की पूरी प्लानिंग थी, इसमें दीपेंद्र हुड्डा पूरे तरीके से शामिल है। एक और किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, कांग्रेस ने सपोर्ट किया, तो उनको अच्छा लगा तो कांग्रेस ने सपोर्ट किया, वहाँ चले गए। वही इसीलिए है, और ये बीजेपी सपोर्ट करती तो बीजेपी के पास चले जाते। नमस्कार, मैं स्वाति, आप देख रहे हैं यूपी लाइव टीवी। देश के दिग्गज पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, और अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने ये क्यों किया। उन्होंने जो ब्रजभूषण के खिलाफ धरना प्रदर्शन दिया, तो क्या वो राजनीति में आने के लिए वो धरना प्रदर्शन था, या फिर देश के लिए उनका सच में लगाव है? तो आइए लखनऊ की जनता से जानते हैं कि क्या सच्चाई है इसमें। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में ज्वाइन हो गए, तो क्या ये कोई राजनीतिक साजिश है कि वो मतलब क्यों ज्वाइन हुए उसमें? पहले उन्होंने उनके ब्रजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो क्या राजनीति में शामिल होने के लिए किया था कि ऐसे ही कोई मेन मकसद? मैम, जहाँ तक आप उन दोनों लोगों की बात कर रही हैं, उनका जो बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड उनका जो है जमीनी स्तर का रहा है, और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि वो लोग जो है हमेशा देश के प्रति उनकी लगन बहुत बढ़िया रही है, और हमेशा खेल के प्रति उनका रुझान जो हमेशा से रहा है। और चाहे विनेश फोगाट की बात करें, चाहे पुनिया जी की बात करें, जहाँ से लोग बिलोंग करते हैं वहाँ पर जो है जितने भी लोग जहाँ के जो पहलवान जो भी रहे हैं, वो हमेशा जो है गोल्ड या इसी चीज़ को लाने के प्रति हमेशा अग्रसर रहे हैं। और हाँ, आप राजनीति की बात कर रही हैं, तो ये अगर इधर आने के लिए आप सोच रहे हैं कि इधर आने के लिए बारे में सोच रहे हैं, तो ये कोई राजनीतिक मुद्दा हो सकता है? बाकी उनका रुझान ना पहले था, ना मैंने सुना है, ना हो सकता है आने का हो। और राजनीति की बात करें, राजनीति अगर ये लोग आना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कुछ और दूसरा माइंड मेकअप हुआ हो, या कुछ चेंज हुआ हो, या कुछ इस तरह का प्रलोभन इनको कांग्रेस ने दिया हो कि आप लोग आइए तो हम आपको कुछ ना कुछ आपको दे। ये पीछे का है दर्पण, जो हम आपको बता नहीं सकते उसके बारे में। जी आइए और लोगों से बात करते हैं, उनकी भी राय जानते हैं। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए, तो क्या वो सही है या गलत? बिल्कुल सही है, कांग्रेस में शामिल होना कोई गलत नहीं है, या किसी भी पार्टी में शामिल होना गलत नहीं है। अगर वो अपने लिए लड़ रही है, न्याय मांग रही है, धरना किया, प्रदर्शन किया, महिला उत्पीड़न के खिलाफ भी उसने किया, तो कोई गलत नहीं किया। अपनी सुरक्षा के लिए, देश के सुरक्षा के लिए उसने इतना बढ़िया काम किया है। पहलवान थी, 100 ग्राम सोने उसका वजन घटा दिया गया, तो उसने गलत क्या किया? वो तो न्याय मांग रही है ना, न्याय। अगर वो धरना प्रदर्शन से नहीं पा रही है तो वो लड़के लेगी, कहीं से भी लड़ेगी। पर एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था हमें राजनीति पसंद नहीं है, तो वो राजनीति में ही कदम रख दिया उन्होंने। तो राजनीति में, राजनीति कोई गलत चीज़ तो है नहीं, राजनीति गलत तो है नहीं, तमाम लोग करते हैं, सभी लोग कर रहे हैं। जब उसको शासन प्रशासन से न्याय नहीं मिला है, तो वो खुद लड़के ले लेगी, मांगेगी न्याय अपना, तो उसमें कोई गलती नहीं है। कांग्रेस में शामिल हुई या कहीं भी शामिल हो, कोई गलती नहीं है। देश के लिए, हाँ देश के लिए तो वो लड़ रही है ना, इतनी जबर पहलवान है, भारी पहलवान है, कोई हल्की फुल्की है नहीं, उसको हर जगह से डोमिनेट किया जा रहा है, तो ये गलत है उसके साथ हो रहा। आइए और लोगों से बात करते हैं, वो बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो गए, तो आपको क्या लगता है, आपके नज़रिए से वो सही है या नहीं? मैडम, ये प्री प्लान्ड था, लास्ट ईयर ऑलरेडी उन्होंने ब्रजभूषण सिंह के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए है ना, उनको बहुत बदनामी हुआ। उसके बाद क्या हुआ, ये कांग्रेस की प्री प्लानिंग थी, इसमें दीपेंद्र हुड्डा पूरे तरीके से शामिल हैं। एक्चुअली दीपेंद्र हुड्डा के ही इशारे पे सारा ये चल रहा है, और अभी आप देख रहे हैं कि चुनाव आने वाले, तुरंत ये लोग पार्टी में शामिल हो गए, अब आगे अपना राजनीति में अपना अपनाएंगे हथकंडे। जी प्री प्लान था, कोई इट इज प्री प्लान्ड। जी जैसा कि आपने देखा, लोग कुछ लोग बोल रहे हैं कि सही है, कुछ लोग प्री प्लान बता रहे हैं, और लोगों से बात करेंगे। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर अच्छा है, वो अपना पहलवान थे वो, और अच्छी बात है, उनको सपोर्ट भी हुआ था, उन्होंने सपोर्ट किया था, तो अच्छी बात है, वो हो गया जैसा उन्होंने पहलवानी में किया था, तो हो सकता है देश के लिए और उन्नति करें, इसमें साथ दें। ब्रजभूषण के खिलाफ जो वो प्रदर्शन करते थे वो लोग, तो क्या वो राजनीति में आने के लिए किया था कि कोई और? नहीं, उनके लिए दिक्कत किया था उन्होंने, इसीलिए उन्होंने किया था वो, तो
लेकिन और किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, कांग्रेस ने सपोर्ट किया तो उनको अच्छा लगा तो वो कांग्रेस ने सपोर्ट किया तो वहाँ चले गए, वो इसीलिए है। और ये बीजेपी सपोर्ट करती तो बीजेपी के पास चले जाते, उसमें कोई नहीं है, वो देश के लिए है, पहले भी काम कर रहे थे अभी भी देश के लिए काम करेंगे। जैसा कि आपने देखा हमने लखनऊ की जनता से बात की, उनका यही कहना है कि कुछ लोग तो विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की ही ओर से बात कर रहे हैं कि वो सही किया उन लोग ने, क्या पता उन्हें वहाँ से न्याय मिल जाए जो न्याय बीजेपी लोग नहीं दे पाए। और ब्रजभूषण के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन किया था तो वो उन्होंने काम ऐसा किया इस वजह से उन्होंने प्रदर्शन किया, ऐसे लोगों का कहना है। ऐसी और अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें यूपी लाइव टीवी। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं स्वाति, लखनऊ।